वेलकम आर यू HSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको आर यू HS की जो बेस नर्सिंग की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट लेने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, यानी कि काउंसलिंग करवाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होना कंपलसरी है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। सो गाइज, काउंसलिंग के लिए एक तो आपके पास अगर एडमिट कार्ड है, ठीक है, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड था, अगर वो है ना तो उसके भी द्वारा आप काउंसलिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे सर हमारा तो एडमिट कार्ड खो गया, तो ऐसे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो फिर आपके पास रिजल्ट अवश्य होगा, रिजल्ट जो इसकी लिस्ट आई थी वो आपके पास होगी। अगर आपके पास रिजल्ट भी नहीं है कि सर रिजल्ट भी खो गया और हमने निकाला नहीं इसका प्रिंट, तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जो फॉर्म भरा था वहाँ पर, जो आपने सबसे पहले फॉर्म भरा होगा तो उसका एक प्रिंट आया होगा, वो आपके पास होगा, तो उसके द्वारा आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ये तीन ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। नंबर वन, एडमिट कार्ड हो तब भी हो जाएगी। नंबर टू, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो आपके रिजल्ट से भी काउंसलिंग हो जाएगी। नंबर थ्री, अगर रिजल्ट अवेलेबल नहीं है तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे काउंसलिंग हो जाएगी। ये तीनों ऑप्शन है। अगर इन तीनों में से भी किसी के पास कोई दिक्कत आ रही हो तो सीधा कमेंट कर देना। अब आप बोलेंगे सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, काउंसलिंग के बारे में भी हमें बताइए कि किस डेट को यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो गाइज, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी अच्छे अच्छे वीडियो बना रखे हैं, चैनल पर जाके आप देख सकते हो। जैसे आप चैनल पे जाओगे RUHSMKS, तो इसके वीडियो का ऑप्शन है ये रहा, तो यहाँ पर एक काउंसलिंग अपडेट मैंने आपको कल ही दे दी थी, इस वीडियो को देख लेना। और यहाँ पर ये आपको कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ये वीडियो देख लेना, सारी जानकारी इन्हीं में ही आपको मिल जाएगी। तो चैनल पे जाके आप देखोगे तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। गाइज, टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फॉलो कर सकते हो।